and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune Newspaper of 3rd April 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about India to raise Sheikh Saeed case at FATF if he walks free. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. It can also be asked in upcoming prelims exam. So ek bar news article samajhte hain ye keh kya raha hai. A Pakistani court of Sindh province has acquitted Ahmed Omar Sheikh Saeed of murder of US journalist Daniel Pearl. So this is Daniel Pearl. He was a US based journalist aur inka murder kiya tha. He was killed by a terrorist Ahmed Omar Sheikh Saeed. Aur इस कारण से अहमद उमर शेख सईद के ऊपर पिछले 17-18 सालों से केस चल रहा था और अब पाकिस्तान के कोर्ट ने अहमद उमर शेख सईद को फ्री कर दिया है, एक्विट कर दिया है फ्रॉम ऑल चार्जेस रिगार्डिंग किलिंग ऑफ डेनियल पर्ल. और इस कारण से इंडिया ने फिर अब वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि अगर इस तरीके से रेकलेस तरीके से अगर पाकिस्तान एक्शंस लेता रहेगा जहां पे वो सारे टेररिस्ट को इस तरह से फ्री करता रहेगा, देन इंडिया विल रेज दिस इशू एट FATF एंड इंडिया विल ब्लेम पाकिस्तान फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म एंड इंडिया विल सी दैट पाकिस्तान gets blacklisted. Currently Pakistan is put in grey list. तो एक बार ये जो इंसान है अहमद उमर शेख सईद, इसका टेररिस्ट बैकग्राउंड जरा समझते हैं. So as I told you, he is a Pakistan based terrorist और इसको इंडिया ने कैप्चर कर लिया था 1994 में ही और ये इंडियन जेल्स में था फ्रॉम 1994 टू 1999. लेकिन इन 1999 अहमद उमर शेख सईद वाज रिलीज्ड बाय इंडिया बिकॉज ऑफ हाईजैक ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट इन कंधार ऑफ अफगानिस्तान. तो एक एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, फ्लाइट नंबर IC814, जिसमें लगभग 155 पैसेंजर्स थे और इसको पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने इसको हाईजैक कर लिया था इन कंधार ऑफ अफगानिस्तान. और फिर इन एक्सचेंज ऑफ दोज पैसेंजर्स हु वेयर इन दिस एयर इंडिया फ्लाइट, इंडिया को 3 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा था इंक्लूडिंग दिस अहमद उमर शेख सईद. बाकी जो 2 टेररिस्ट थे वो थे मसूद अजहर एंड मुश्ताक जरगार. और आज के टाइम में ये तीनों टेररिस्ट इंडिया के लिए काफ़ी सारा ट्रबल क्रिएट करते हैं. द प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर. ये मसूद अजहर आपको पता होगा जो उरी के अंदर और पुलवामा के अंदर स्ट्राइक्स हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उसमें इसी का हाथ था. तो ये कंधार हाईजैक एपिसोड के कारण इंडिया को काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा. ये जो 3 टेररिस्ट इस टाइम में रिलीज हो गए थे, दे आर क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ ट्रबल. और उसमें से एक टेररिस्ट, ये जो जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं अहमद उमर शेख सईद, ये पाकिस्तानी जेल में था फॉर अबाउट 2 डिकेड्स, लेकिन अब इसको भी पाकिस्तानी कोर्ट ने फ्री कर दिया है. और इस कारण से अब इंडिया ने थ्रेटन किया है पाकिस्तान को कि इंडिया विल टेक दिस इशू ऑन FATF प्लेटफॉर्म. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1994 से 99 तक इंडियन जेल में था, फिर ये रिलीज हो गया 1999 में. फिर 2002 में अहमद उमर शेख सईद वाज फाउंड इन कॉम्प्लिसिट वे ऑफ किलिंग वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट डेनियल पर्ल इन पाकिस्तान. तो ये डेनियल पर्ल एक जर्नलिस्ट हैं, यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर कुछ इशूज को कवर कर रहे थे. इन 2002 ही वाज कैप्चर्ड एंड killed by अहमद उमर शेख सईद एंड हिज टेररिस्ट ग्रुप्स. और उसके बाद पता चला कि अहमद उमर शेख सईद वॉज ऑल्सो हैड अ रोल टू प्ले इन 9/11 अटैक ऑन US. और इस कारण से काफ़ी सारा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने लगा पाकिस्तान के ऊपर. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल प्रेशर
पाकिस्तान अरेस्टेड शेख सईद एंड पुट हिम टू द ट्रायल। लेकिन ये ट्रायल काफ़ी धीरे चलाया गया जानबूझ के। आपको पता है कि पाकिस्तान जो सरकार है या आर्मी जो है वो इनडायरेक्ट रूप से वहाँ के टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, तो दैट इज़ वाई दिस केस ऑफ अहमद उमर शेख सईद वाज इनऑर्डिनेटली डेलिबरेटली डिलेड। और ये ट्रायल पिछले 20 सालों से लगातार चल ही रहा था और अब इतने सालों के ट्रायल के बाद अब इसको फ्री कर दिया गया। इस पर जो भी चार्जेस थे उससे इसको फ्री कर दिया गया। एंड दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ वॉर्न्ड दैट सच स्टेप्स टेकन बाई पाकिस्तान इंडिकेट्स दैट पाकिस्तान इज नॉट सीरियस अबाउट कर्बिंग टेररिज्म एंड दैट इज़ वाई इंडिया विल रेज दिस इशू एंड इंडिया विल रिक्वेस्ट अदर मेंबर कंट्रीज एट FATF टू ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान एट FATF। तो एक बार जरा FATF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं, और वहाँ पे अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो उससे पाकिस्तान के लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उसको भी समझते हैं। सो एज आई टोल्ड यू इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। वन इज़ टू कर्ब टेरर फाइनेंसिंग एंड सेकेंड इज़ टू प्रिवेंट मनी लॉन्डरिंग। तो वो सारे एक्टिविटी जिससे टेररिस्ट लोगों को फंड मिलता है, वो सारे एक्टिविटीज़ को रोकना ही मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। और दूसरा ऑफ कोर्स ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के जितने भी प्रोसेस हैं जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं उसको अवॉइड करना दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। दुनिया के 39 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और FATF मेनली दो लिस्ट मेंटेन करता है। एक है जिसको हम कहते हैं ग्रे लिस्ट एंड सेकेंड वन इज ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में जिन कंट्रीज़ का नाम मेंशन होता है दैट मींस दीज कंट्रीज हैव बीन पुट अंडर वॉच, यानी कि उनको क्लोजली वॉच किया जा रहा है उनके सारे एक्टिविटीज़ को। ग्रे लिस्ट में किसी भी कंट्री का नाम रखने का मतलब है कि दुनिया के बाकी मेंबर्स को शक है कि ये कंट्रीज़ या तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रमोट कर रहे हैं नहीं तो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और इस कारण से इनको वॉच पे रखा जाता है और इस कारण से इनके नाम को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। बट वंस इट इज़ क्लियर दैट दीज कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व द गवर्नमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व इन टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग देन दे आर पुट इन ब्लैक लिस्ट। और एक बार किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में रख दिया गया देन जो भी बाकी मेंबर कंट्रीज़ हैं दे स्नैप देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑल इकोनॉमिक इंटरैक्शंस विद द ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़। तो जो भी ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं किया जाता या फिर उनके साथ सारे तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या ट्रेड रोक दिए जाते हैं, और इस कारण से कोई भी कंट्री चाहता नहीं है कि वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए ऑफ FATF। एंड दैट इज़ वाई इट मस्ट एटलीस्ट अपीयर दैट इट इज़ सीरियस अबाउट कर्बिंग टेररिज्म एंड प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। और पाकिस्तान भी अभी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कंट्रीज लाइक श्रीलंका पाकिस्तान सीरिया आर इन ग्रे लिस्ट वाइल कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया एंड ईरान आर इन ब्लैक लिस्ट। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान पे लगातार इंटरनेशनल प्रेशर माउंट हो रहा है दैट इट मस्ट शो सम सीरियसनेस अबाउट कर्बिंग टेररिज्म अदरवाइज पाकिस्तान विल बी पुट इन ब्लैक लिस्ट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। और इसी कारण से अब इंडिया ने भी थ्रेटन किया है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान इसी तरह की एक्टिविटी करता रहा जहां पे वो सारे टेररिस्ट के ऊपर लगे हुए चार्जेस को इसी तरह से एक्विट करता रहा तो पाकिस्तान के ऊपर एक केस प्रूव करेगा इंडिया ऑन FATF प्लेटफॉर्म एंड इट विल कन्विंस अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ FATF टू पुट पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट टू ब्लैक लिस्ट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज रिगार्डिंग आरोग्य सेतु ऐप एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर वन एसए पॉइंट ऑफ व्यू पेपर थ्री गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट कैन ऑफ कोर्स बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल। तो एक बार इस आरोग्य सेतु ऐप के बारे में समझते हैं। दिस ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाई नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर विच फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस ऐप का काम है कि हम सब लोगों को जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए वो सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमें टाइम टू टाइम देते रहे, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोरोना वायरस से रिलेटेड वो भी हमें टाइम टू टाइम देते रहे। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐप। उसके अलावा ये भी ज़रा देखते हैं दैट हाउ दिस ऐप विल वर्क। तो इस ऐप में हम सबको अपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फीड करने होंगे एंड वंस वी पुट आर क्रेडेंशियल्स इन दिस ऐप उसके बाद ये ऐप हमें इन्फॉर्म करेगा कि हम जिस एरिया में हैं उस एरिया में और कितने सारे इन्फेक्टेड लोग कोविड
19 के इन्फेक्टेड लोग हैं और वो हमसे कितनी दूरी पे हैं. एंड इन दिस वे इट विल हेल्प अस इन कीपिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव ऑफ कोविड 19. और ये ऐप हमें ये भी बताता रहेगा कि हम जिस लोकेशन में हैं उस लोकेशन की वल्नरेबिलिटी या थ्रेट कितनी है, इस लोकेशन में ओवरऑल कोविड पेशेंट्स की डेंसिटी कितनी है. तो आपको पता है कि इंडिया में कम से कम 10 ऐसे लोकेशन बन चुके हैं जिनको अब कोरोना वायरस हॉटस्पॉट कहा जा रहा है. तो इस ऐप की मदद से हमें यह भी पता चलता रहेगा कि कहीं हम उस हॉटस्पॉट में तो नहीं खड़े हैं. सो अगर हमने इस ऐप को डाउनलोड किया, इसमें अपने क्रेडेंशियल्स डाल दिए, सो दिस ऐप विल नाउ ट्रैक आवर मूवमेंट एंड समहाउ इफ वी इंटर into the coronavirus hotspot zone, then it will give us some message information that you have entered into this hotspot zone and pull out of it. तो इस तरीके से ये आरोग्य सेतु ऐप हमें coronavirus से इन्फेक्ट होने से बचाएगा. अब ये आरोग्य सेतु ऐप के अगेंस्ट एक नई इशू निकल के आ रही है, वो है प्राइवेसी इशू. सो आरोग्य सेतु ऐप वर्सेस प्राइवेसी इशू, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं. सो कुछ क्रिटिक्स हैं इस आरोग्य सेतु ऐप के, वो कह रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर ऐप विल ब्रीच इंडिविजुअल्स प्राइवेसी. एक इंडिविजुअल कहाँ जाता है, किन किन लोगों से मिलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार को के पास चली जाएंगी. और उसके अलावा जो कुछ एक पर्सनल डिटेल्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं एक इंडिविजुअल के, वो भी सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार के पास चली जाएंगी. इन दिस वे द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी ब्रीच्ड. पर इस पे जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि जो भी डेटा है वो भारत सरकार के पास पूरी तरह से सेफ सिक्योर रहेंगी. इट विल बी कंप्लीटली इनक्रिप्टेड एंड नो थर्ड पार्टी कैन रीच दिस डेटा. तो जो भी डेटाज हैं हमारे और भारत सरकार के बीच में ही रहेंगी. जहाँ पे भी भारत सरकार इसको स्टोर करके रखेगी वो पूरी तरह से एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा और कोई तीसरी पार्टी इस डेटा को ब्रीच करके अवेल नहीं कर सकती. तो इंडिविजुअल्स को एक तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अबाउट देयर डिटेल्स. उसके अलावा जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत ही नॉमिनल तरीके के हैं. हमारे नाम, हमारा एड्रेस है, उसके अलावा कोई खास क्रेडेंशियल्स लिया नहीं जा रहा है. और वो क्रेडेंशियल्स भी इस ऐप के अंदर ऑप्शनल दिया गया है कि आपका मन है तो आप उसको डालें, अदरवाइज यू कैन opt out of it. You can skip it. तो इस कारण से भारत सरकार ने जवाब दिया है कि इस ऐप को लेकर के कोई प्राइवेसी इश्यूज नहीं होने चाहिए. नेवर द लेस थोड़े बहुत तो प्राइवेसी आपके ब्रीच होंगे ही. आप जिस एरिया में मूव कर रहे हैं वो ये ऐप आपको जरूर ट्रैक करता रहेगा और भारत सरकार को जरूर पता लगता रहेगा कि आप किस एरिया में मूव कर रहे हैं. अब इस पूरे इन्फॉर्मेशन को, पूरे आइडिया को कैसे इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग में, वो भी ज़रा समझते हैं. तो देखो, एक टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेसी. ये टॉपिक है हमारे पेपर 3 गवर्नेंस का. वहाँ पे इसको हम एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं. उसके अलावा ये टॉपिक अपने आप में एक एसे के फॉर्म में भी आ सकता है जहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक पर एसे लिखने को. और इस पूरे टॉपिक में आपसे देखो कोई डायरेक्ट तो पूछने जा नहीं रहा मेंस एग्जाम में कि बताओ ये आरोग्य सेतु ऐप है क्या, लेकिन आप इसको इन सारे इश्यूज में, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेसी वाले टॉपिक में, इसको एक एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं. आपको ऐसे सवालों में इस तरह का कंक्लूजन लिखना है दैट देयर इज ऑलवेज सम ट्रेड ऑफ रिक्वायर्ड इन अ मैटर दैट इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी. तो जब भी इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट डेवलप होगा, इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तो दोनों में हमें थोड़ा तो बैलेंस बनाना होगा. अगर हम पूरी तरह से इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हैम्पर होगा. अब फॉर इन दिस केस इट्सेल्फ, अगर हम पॉजिटिव केसेस वाले जो पेशेंट्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों से शेयर ही ना करें, रिस्पेक्टिंग हिज और हर राइट टू प्राइवेसी, तो फिर बाकी लोगों के भी इन्फेक्ट होने के चांसेस बने रहेंगे. एंड इन दिस वे वी विल कॉम्प्रोमाइज ऑन पब्लिक्स हेल्थ, पब्लिक इंटरेस्ट. सो जब भी पब्लिक इंटरेस्ट और इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, वी विल हैव टू फाइंड अ मिडिल पाथ, वी विल हैव टू डू सम ट्रेड ऑफ. और इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को हम ब्रीच करेंगे फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट. वो मिनिमम होना चाहिए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है. हमें अननेसेसरी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अननेसेसरी इंडिविजुअल्स की राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच ना करें, बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट. और वैसे पॉइंट को जब आप लिख रहे हो उसमें आप आरोग्य सेतु ऐप का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप इज बेस्ट एग्जाम्पल दैट ट्राइज टू ट्रेड ऑफ और फाइंड अ
मिडल पाथ बिटवीन इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पे वो मिनिमम इंफॉर्मेशन ले रहा है उसको भी पूरी तरह से सेफ सिक्योर करके रख रहा है और वो उन लोगों से शेयर कर रहा है जिनके इससे इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं, ताकि पब्लिक हेल्थ को बचाया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट एंड इट रीड्स, फार्मर्स कैन नाउ ट्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वेयर हाउसेस FPO कलेक्शन सेंटर्स. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फोर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. आप अगर अपने पेपर फोर का एक सब टॉपिक देखेंगे तो उसमें आपको एक सब टॉपिक दिखेगा ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, और वहाँ आप ये इस आर्टिकल को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं. ई नैम का जो प्रोसेस है दैट कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज अंडर दिस सब टॉपिक. तो एक बार जरा ईनैम समझते हैं तब हम इस न्यूज़ आर्टिकल को समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से. ईनैम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, और इस स्कीम को हमें समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मेनली. सो फार्मर्स को की सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं मिडिल मैन. फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करता है, ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है या हॉर्टिकल्चरल फूड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करता है, उन सबको बहुत सस्ते दामों में मंडियों से ख़रीद लेते हैं मिडिलमैन. और ये जो बिचौलिए होते हैं या मिडिलमैन होते हैं वो जाकर के उन्हीं चीज़ों को शहरों में बहुत महंगे दामों में बेचते हैं और सारा का सारा प्रॉफिट बीच में वो खुद ले जाते हैं. सो द मेन प्रॉफिट द क्रीम is taken by the middlemen while farmers are left with very meager amount and that leads to poverty amongst farmer. So ye jo enam scheme lekar ke aayi hai bharat sarkar 2016 mein, this will help in removing the problem of middlemen. To samajhte hain kaise middlemen ka problem khatam hoga with help of this enam scheme. To is figure ki madad se samajhte hain. Before enam, इस स्कीम से पहले क्या होता था, फार्मर्स खेती करते थे, फिर उसको अपने कार्ट वगैरह में लोड करके जैसे भी वो ले करके अपने नियरेस्ट मंडी में पहुंचते थे और मंडी में उनको मिलते थे इस तरह के मिडिलमैन, और वो मिडिलमैन इन फार्मर से काफ़ी सस्ते दामों पे उनका फूड प्रोड्यूस खरीद लेते थे. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये पर केजी खरीद लेंगे और वही प्रोड्यूस को लेकर के वो शहरों में जाएंगे एंड इन सिटी एरियाज दे विल सेल द सेम प्रोड्यूस एट ₹50 पर केजी टू अ बायर इन द अर्बन एरिया जिसको इसकी ज़रूरत है, और इस तरीके से ये ₹40 का प्रॉफिट खुद लेकर के चले जाएंगे विदाउट मेकिंग एनी टेंजिबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देयर ओन साइड. फार्मर जिन्होंने खेती की है, सबसे ज़्यादा मेहनत की है, उनको सिर्फ ₹10 मिले, जबकि ये मिडिलमैन इनको ₹40 का प्रॉफिट हो गया विदाउट मेकिंग एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम देयर ओन साइड. तो इस प्रॉब्लम के को रिमूव करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई ई नैम स्कीम. अब ई नैम स्कीम में होगा क्या कि फार्मर्स अपने फूड प्रोड्यूस को लेकर के नियरेस्ट मंडी में जाएंगे और नियरेस्ट मंडी में इस तरह के डिजिटल स्क्रीन्स लगे होंगे और इन डिजिटल स्क्रीन्स पे उनके फूड प्रोड्यूस का क्या प्राइस देने के लिए रेडी है बायर जो शहरों के क्षेत्र में है, जो सिटीज़ में है, वो क्या प्राइस इनके फूड ग्रेन के लिए देने को रेडी है, वो इंटरनेट की मदद से इसमें फीड कर देगा. वो तो वही पुराना एग्जांपल लेते हैं, अब ये बायर जो शहरों में था जो ₹50 पर केजी किसानों के फूड प्रोड्यूस को ख़रीदने के लिए तैयार था, वो इंटरनेट की मदद से अपलोड कर देगा दैट ही इज़ विलिंग टू पे ₹50 पर केजी फॉर सच एंड सच फूड प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स. अब ये फार्मर जब जाएंगे तो उनको इस तरह के डिजिटल बोर्ड पर सब कुछ दिख जाएगा कि उनके फूड प्रोड्यूस के लिए जो वो लेकर के आए हैं बेचने के लिए उस पर ₹50 पर केजी कोई देने को तैयार है शहरों के क्षेत्र में. तो नेचुरली वो उस मिडिल मैन को अपना प्रोड्यूस नहीं बेचेंगे जो उनको ₹10 पर केजी ऑफर कर रहा है, वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के मदद से ही वो अपना फूड प्रोड्यूस इस बायर को बेच देंगे जो शहरों के क्षेत्र में. तो डिजिटली ही इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और सेल ट्रांजैक्शन हो जाएगा और इनके अकाउंट में ये बायर पैसे जमा कर देगा और भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होंगी जो इंश्योर करेंगी कि ये जो फूड प्रोड्यूस है फार्मर्स का दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द अर्बन एरियाज टू द बायर हु हैज़ बॉट देयर फूड प्रोड्यूस, और उसके बदले में ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है नॉमिनल चार्जेज ले लेंगी फार्मर से, और इस तरीके से ये मिडिल मैन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ई नैम. सो दैट इज द पर्पस ऑफ ई नैम स्कीम. अब जरा देखते हैं कि ये करंट न्यूज क्या है. तो अभी आपको पता है कि आर कंट्री इज मूविंग थ्रू अ फेज ऑफ लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक, और इस लॉकडाउन के कारण
जो भी हमारे मंडीज हैं वो सब बंद हैं। तो अब इस तरह की मंडी सारी बंद हैं तो फार्मर जो हैं वहाँ पे जाकर के डिजिटल स्क्रीन से ये भी नहीं पता कर पा रहे कि उनके फूड प्रोड्यूस के लिए क्या प्राइसेस मिलेंगी, और इस कारण से फार्मर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके प्रोड्यूस नहीं बिक रहे हैं। और इस कारण से भारत सरकार ने अलाउ किया है कि जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेयर हाउसेज हैं या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन समझ लो कि एक तरह का लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है फार्मर्स का ही, तो इन लोगों के पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है, साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी। गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी एक साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिससे वो फूड प्रोड्यूस को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखे, जिसको आप कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं। तो भारत सरकार ने अलाउ किया कि ये फार्मर्स ईनैम की मदद से अपना फूड प्रोड्यूस या तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेयर हाउसेज या FPOs को बेच पाएंगे। तो अब होगा क्या कि अब ये बायर तो यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन फीड नहीं कर रहा है कि व्हाट प्राइस ही इज़ विलिंग टू पे फॉर दिस फूड ग्रेन, क्योंकि ये इसके भी अभी सारे बिजनेसेस रुके हुए हैं। तो अब इनके जगह पे FPOs या गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेयर हाउसेज विल पुट देयर प्राइस दैट व्हाट प्राइस दे आर विलिंग टू पे फॉर द फूड प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर, और फार्मर ये प्राइस दे करके अब FPO को या फिर गवर्नमेंट वेयर हाउसेज को अपना फूड ग्रेन बेच देगा, और इस तरीके से फार्मर्स को लॉसेज से बचाया जा सकता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट एंड दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट जागीरोड विच इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रियल हब ऑफ आसाम, एंड दिस आर्टिकल रीड्स दैट पैंडेमिक मे बी द लास्ट नेल इन द आसाम्स इंडस्ट्रियल टाउन कॉफिन। तो जागीरोड एक काफ़ी पॉपुलर इंडस्ट्रियल टाउन रहा है असम का, लेकिन हाल फिलहाल में इट हैज़ सीन ए डिक्लाइन। जो भी वहाँ की इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि आप देख सकते हैं नगाव पेपर मिल इन जागी रोड, ये सब अब क्लोजर के कगार पे हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ह्यूज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, और उसमें अब ये पेंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन है इस कारण से भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। 2 या 3 केसेज इस एरिया से भी मिले हैं, इस कारण से वहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स हैं बोल रहे हैं कि अब इस एरिया के जो बिजनेसेस हैं उनको काफ़ी सारा लॉस उठाना पड़ेगा। So as I told you, this article will talk about Jagiroad industrial town of Assam, and this article says that how this lockdown will negatively impact the businesses of Jagiroad. Already the businesses in these areas were under economic distress, and now this lockdown will act as a last nail in the coffin of these industries. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से इस आर्टिकल में दिए हुए थे अबाउट जागीरोड इंडस्ट्रियल टाउन, जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं। जागी रोड का ओरिजिनल नाम, इस एरिया का ओरिजिनल नाम नौखुला था, बट इट वाज चेंज्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1933 एज जागी रोड, क्योंकि इसी तरह के नाम वाला एक पोर्ट सिटी है, एक सिटी है बांग्लादेश के अंदर जिसका नाम है नोआखली, और नोआखली और इस नौखुला जो यहाँ जागी रोड का पुराना नाम था उसके बीच में अननेसेसरी कन्फ्यूजन हो जाता था, और कई सारे जो कार्गोज हैं वो गलती से नौखुला पहुँच जाते थे। एक्चुअली देवर मेंट टू रीच नौखुली बट वो गलती से नौखुला आ जाते थे, इस कारण से ब्रिटिशर्स ने इसका नाम चेंज करके जागी रोड कर दिया 1933। आज़ादी के बाद यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज खुले, जैसे कि वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडस्ट्री ऑफ जागी रोड इज आसाम स्पन सिल्क मिल दैट वॉज सेटअप इन 1962। उसके बाद और सारे इंडस्ट्रीज आए, जैसे कोऑपरेटिव जूट मिल आया, पॉलिएस्टर स्पिनिंग मिल आया, सुगर मिल आया, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आई यहाँ पे, वो पेपर मिल आई बाय हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन। लेकिन धीरे धीरे इस जागी रोड के इन सारे इंडस्ट्रीज़ को लॉस उठाना पड़ा। बीच में यहाँ पे कई सारे फूड ईटरीज या ढाबाज भी खुले, जिससे भी लोकल इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि इस एरिया से एक हाईवे गुजरता है जो गुवाहाटी और काजीरंगा को कनेक्ट करता है, और इस कारण से बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स थे जो इनके बीच एरियाज में रुकते थे, खाना खाते थे, और इस कारण से कई सारे छोटे मोटे ढाबाज ईटरीज ओपन हुए थे और लोकल लोगों को और लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा मिला था। लेकिन धीरे धीरे ये फ़ायदा भी जा चुका है, क्योंकि अब इस हाईवे को कन्वर्ट कर दिया गया है एक्सप्रेसवे में, और एक्सप्रेसवे होने के कारण नाउ द स्पीड ऑफ और द मोबिलिटी हैज़ बिकम क्वाइट हाई, और इस कारण से अब कोई उस एरिया में रुकता है नहीं, और इस कारण से जो लोकल स्मॉल ईटरीज वाले इंडस्ट्रीज थी उनको भी नुकसान हुआ है, और यहाँ की जो बाकी इंडस्ट्रीज थी वो भी टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई, दैट इज़ वाई नाउ दे आर फेसिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। और वैसे हालात में ये शटडाउन विल बी डबल वैमी फॉर देम, एंड नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिवाइव। उसके अलावा जागी रोड की एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो हमें जानना चाहिए, इट इज़ फेमस फॉर इट्स ड्राई फिश मार्केट। द मार्केट ड्राई फिश मार्केट ऑफ जागी रोड इज़ नोन एज लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट इन एशिया।
In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we will cover topic number 116 to 120. 116 topic is bone challenge. The bone challenge is a global effort to bring about 150 million hectares of world's deforested and degraded land into restoration by 2020 and about 350 million hectares by 2030. ये numbers आप याद मत रखो कि 150 million area या 350 million area, बस आप इतना याद रखो कि bone challenge is for deforested and degraded land. It was launched in 2011 by government of Germany and IUCN. बस आपको इतना याद रखना है. And later on, it was endorsed and extended by the New York Declaration on Forest at the 2014 UN Climate Change. ये भी हम लोग अलग से cover कर ही चुके हैं. With respect to this topic, I have given you a practice question. You can attempt this. टॉपिक नंबर 117 कोस्टल रेगुलेशन जोन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड इस साल कुछ प्रोविजंस चेंज किए गए हैं और कोस्टल रेगुलेशन जोन से सवाल इस साल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं. कोस्टल रेगुलेशन जोन्स आर द नोटिफिकेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज इन द कोस्टल एरियाज. इट वॉज इशूड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 बाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो कोस्टल रेगुलेशन जोन अलग अलग तरीके के हैं. फॉर एग्जाम्पल कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, 2, 3, 4. So coastal regulation zone 1 is known as ecologically sensitive areas. They lie between high tide and low tide areas. And the project that falls under coastal regulation zone and coastal regulation zone number 1 and coastal regulation zone number 4 requires approval of environment ministry, while rest two zones, coastal regulation zone number 2 and coastal regulation zone number 3, requires approval. Project, if they are proposed in coastal regulation zone number 2 or coastal regulation zone number 3, they require approval only of the state governments, not from the Union Ministry of Environment. So I hope ये concept आपको clear है. अगर कोई project coastal regulation zone number 1 में या 4 में proposed है तो environment ministry से approval लेना है. अगर 2 या 3 में proposed है तो उसके लिए approval हमें state government या union territory से लेना है. We have given you a practice question with respect to this particular topic. You can attempt this. Topic number 118 is Green Wall Initiative. It is an initiative under UNCCD, United Nations Convention to Combat Desertification. It has promoted Great Wall Initiative as an effort to restore about 386,000 square miles of deserted area in 20 African countries. Desertification, as you know, is a permanent degradation of land that was once arable. Desertification, मैं आपको basic class में भी बता चुका हूँ. Loss of moisture from soil is known as desertification, and more than 75% of Earth's land area is already deserted and degraded according to European Commission's World Atlas of Desertification, and more than 90% could be degraded by 2050. We have given you a practice question with respect to this particular topic. You can attempt this. Topic number 119 is right to access. Right to internet access, I'm sorry. So Kerala High Court in its judgment titled Fahim Sirin versus State of Kerala and others have granted that right to internet access is a fundamental right under right to privacy of Article 21 given under Constitution of India. So we have given you a practice question with respect to this particular topic. You can attempt this. Topic number 120 is about Global Livability Index. This index is released by Economies Intelligence Unit, and according to this index, New Delhi and Mumbai have ranked 118 and 119th out of 140 cities across the world in Economies Intelligence Unit's Global Livability Index. We have given you a practice question with respect to this particular topic. You can attempt this. This is the answer of question number 111 to 115 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today we have given you top questions number 116 to 120. You can attempt this and you can give your answer in the comment section. We will be supplying the answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.